दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे अनोखे गैजेट के बारे में जिससे आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा और साथ ही वह एक प्रकार का स्पिनर भी है। और मैं इन सारे गैजेट का आपको बायलिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा और यह सारे गैजेट आपको अमेज़न पर ही देखने के लिए मिल जाएंगे। नंबर 10 फिंगर्स। दोस्तों बचपन में तो आपने बहुत सारे स्पिनर से खेला होगा, लेकिन यह स्पिनर उन सारे स्पिनर से अनोखा है क्योंकि यह एक मैग्नेटिक रिंग है जिससे आप स्पिन कर खेल सकते हो और यह भी एक प्रकार का स्पिनर ही है। और इस मैग्नेटिक रिंग से आप टाइम पास भी कर सकते हो और यह देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और यह आपको बहुत सारे कलर में देखने के लिए मिल जाएगा। और कभी आप कोई गंभीर टॉपिक पर सोच रहे हो तो इसे यूज कर अपना कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ा सकते हो और इसे आप अलग अलग तरह से खेल सकते हो। और इस गैजेट का प्राइस है 299 रुपीज और इसका बाय लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हो। नंबर 9 थिंक इंक पेन। दोस्तों जब आप कोई काम करते होंगे या कभी सोचते होंगे तो आपके हाथ में जो कुछ भी होता होगा आप उसे घुमाने लगते होंगे। यह इसलिए करते होंगे क्योंकि इससे आपका फोकस बढ़ता है और यह गैजेट बनाने का एक ही तात्पर्य है कि इससे सामने वाले व्यक्ति लिख भी सके और अपना कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ा भी सके। और अगर आप अपने टेबल पर कुछ ऐसा रखना चाहते हो जिससे आप खेल भी सके तो यह चीज आपके लिए बेस्ट है क्योंकि यह गैजेट मैग्नेट का है, साथ ही इस पेन का हर एक पार्ट मूविंग है और इस गैजेट का प्राइस है 699। नंबर 8 फील प्लग। दोस्तों मैग्नेटिक प्लग के बारे में आपने बुक में तो जरूर पढ़ा होगा, लेकिन रियल लाइफ में कभी इसे फील किया है? अगर आपने नहीं किया तो यह गैजेट को ध्यान से देखना। यह गैजेट एक सिलेंड्रिकल शेप में रहता है और इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स रहता है जिस कारण इसमें जो मैग्नेट होता है वो बहुत धीरे धीरे इस सिलेंडर से निकलता है जो देखने में बहुत अनोखा लगता है और इससे आप खेल भी सकते हो। नंबर 7 मोजमू ग्लोविंग। इस गैजेट को देखकर आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी क्योंकि याद कीजिए जब आप बचपन में लट्टू को तो जरूर नचाते होंगे और उसे नचता देख आपको बहुत ही अच्छा लगता होगा। और ये गैजेट एक लट्टू की तरह नचता है और इसे एक बार नचाने पर ये बहुत देर तक नचता है और इसे आप ऑफिस या कहीं और सजावट के लिए लगा सकते हो, साथ ही इससे आप खेल भी सकते हो। और इस गैजेट का प्राइस है 749 रुपीज जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। नंबर 6 थंब चुक। यह एक छोटा सा गैजेट होता है जिसमें दो छोटे गेंद एक स्ट्रिंग से जुड़ी होती है और इसे हाथों से घुमाने और यूनिक मूव दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। और यह खिलौना बच्चे और बड़े दोनों खेल सकते हैं, खासकर उन लोगों के बीच जो स्किल टॉय या जगलिंग में रुचि रखते हैं, उनके लिए ये मास्टरपीस है। थंब चक का प्रयोग करते समय आप विभिन्न तरह के ट्रिक और मूवमेंट कर सकते हो और इस गैजेट का प्राइस है 1299। नंबर 5 और अब मैं जो गैजेट के बारे में बताने जा रहा हूँ वह तो बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि यह एक प्रकार का पीजे टाइप गैजेट है जो जापान में लोकप्रिय है। यह लकड़ी या प्लास्टिक का एक छोटा सा बेलन आकार का खिलौना होता है जिसे सपाट सतह पर घुमाया जाता है। इसे घुमाने पर संतुलित रहते हुए आगे पीछे घूमता है और इसका प्रयोग करना बहुत आसान है, लेकिन इसे अच्छी तरह से नियंत्रित करने और विभिन्न ट्रिक्स को करने के लिए अभ्यास की जरूरत है और इस गैजेट का प्राइस है 299। नंबर 4 फिजिट फोन होल्डर। यह एक ऐसा गैजेट है जो आपके फोन को होल्ड करके रखता है, साथ ही आपके फोन को घुमा भी सकता है और यह विभिन्न डिजाइन और आकारों में आता है। इसका मुख्य उद्देश्य फोन को होल्ड करने के साथ साथ उपयोगता को मोबाइल को घुमाने में मदद करता है जिससे तनाव और चिंता को कम कर सकते हैं और इस गैजेट का प्राइस है 199 रुपीज। नंबर 3 फ्लाई नोवा। यह एक प्रकार का फ्लाइंग खिलौना है जिसे ड्रोन या स्पिनर के रूप में भी जाना जाता है। यह एक छोटा और हल्का उपकरण के रूप में आता है जिसे हाथ से उठाया और नियंत्रित किया जाता है और इसमें LED लाइट होती है जो इसे उड़ते समय रंगीन और आकर्षण बनाती है और इसका उपयोग करना बहुत ही आसान है।
और इस गैजेट का प्राइस है 699 रुपीज। नंबर 2, स्विमिंग स्टिक, एक नया प्रकार का खिलौना जो काइनेटिक एनर्जी पर वर्क करता है और यह एक ऐसा गैजेट होता है जिसमें छोटी छोटी लकड़ियां लगी रहती है जिससे आप जैसे ही एक बार घुमाओगे वो बहुत देर तक घूमेगा। नंबर 1, स्पिन फ्लक्स गैजेट, यह एक प्रकार का उच्च तकनीकी खिलौना होता है जो गति ऊर्जा के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं और यह खिलौना मुख्य रूप से घुमाने पर आधारित और इसमें विभिन्न तरह के ट्रिक किए जा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।